जापान का वीजा हासिल करने के लिए अपॉइंटमेंट किस तरीके से बुक कर सकते हैं, और अगर अपॉइंटमेंट आप बुक करते हैं तो आपको कितने टाइम बाद की अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय YouTube चैनल वीजा कल्चर एंड ब्लॉग। वीजा कल्चर एंड ब्लॉग साथ में हूं आपका दोस्त शांत दी। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा जो भी ब्लॉग हो वीजा इंफॉर्मेशन हो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे जापान विजिट वीजा या जापान बिजनेस वीजा की अपॉइंटमेंट आप किस तरीके से बुक कर सकते हैं, क्योंकि 1 जून 2023 के बाद एम्बेसी ने अपॉइंटमेंट्स का स्केड्यूल स्टार्ट कर दिया है, और अगर आप जापान का वीजा अप्लाई करेंगे तो अपॉइंटमेंट के बगैर आप जापान एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवा सकते। 1 जून से पहले आपको जापान एम्बेसी में आप अपने वॉक इन जाकर सबमिशन करवाते थे। कोविड के बाद जब जापान की एम्बेसी ओपन हुई तो डेली के जो पासपोर्ट है 150 पासपोर्ट से लेकर 250 पासपोर्ट तक वहां पर सबमिट होते थे, तो बहुत सारे लोग वहां पर स्टे करना स्टार्ट हो गए। रातों को वहां पर स्टे करते थे डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर, सिविल सर्विस के अंदर, तो इससे ज्यादा बहुत ज्यादा इश्यूज बनना स्टार्ट हो गए थे। तो उसके बाद एम्बेसी ने पासपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन कर दी कि 70 पासपोर्ट पर डे के सबमिट किए जाएंगे। 70 पासपोर्ट सबमिट होने के बाद उसके बाद ही एम्बेसी ने बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाई कि 25 पासपोर्ट पर डे सबमिट होंगे, लेकिन 1 जून 2023 के बाद एम्बेसी ने अपनी अपॉइंटमेंट स्टार्ट कर दी है। अपॉइंटमेंट आप किस तरीके से बुक कर सकते हैं, अगर आप इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पंजाब या कश्मीर के साइड से अपना वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको इस्लामाबाद एम्बेसी की अपॉइंटमेंट चाहिए होगी। इस्लामाबाद एम्बेसी की अपॉइंटमेंट आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं और कराची कॉन्सुलेट की अपॉइंटमेंट आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप बात करते हैं इस्लामाबाद एम्बेसी की अपॉइंटमेंट आप किस तरीके से बुक कर सकते हैं। इस्लामाबाद एम्बेसी में अगर आप अपॉइंटमेंट हासिल करना चाह रहे हैं तो आपको शटल सर्विस डिप्लोमेटिक इनक्लेव के पास शटल सर्विस है जहां से सारे एम्बेसीज में आपको बस लेकर जाती है, वहां से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट आईडी कार्ड साथ लेकर जाना पड़ता है और साथ में आप अपने पासपोर्ट का फर्स्ट पेज की कॉपी और अपने आईडी कार्ड की कॉपी साथ लेकर जाएंगे तो वहां से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉपीज नहीं है तो शटल सर्विस से आपकी कॉपीज तो हो जाती है लेकिन एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा है और इसका प्रॉपर टाइम भी ज्यादा लग जाता है। वहां पर जो पर पेज आपसे चार्ज किया जाता है अराउंड अबाउट 120 पर पेज आपके चार्ज किए जाते हैं, लेकिन अगर आप अपॉइंटमेंट आप बुक करते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट अगस्त के एंड की अपॉइंटमेंट मिलती है, लेकिन अपॉइंटमेंट अभी क्लोज हो चुकी है। अब जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है जापान एम्बेसी की तरफ से अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर ऑनलाइन प्रोसीजर की तरफ अब उस पर गौर किया जा रहा है कि आने वाले टाइम पे अब अपॉइंटमेंट आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। आपको शटल सर्विस या किसी दूसरे तरीके से कॉल करके भी अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। 15 जुलाई के बाद आपको अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से स्केड्यूल मिल जाएंगे, लेकिन वो भी अपॉइंटमेंट आपको अगस्त के बाद की अपॉइंटमेंट इजीली मिल सकती है। अगर आप इस्लामाबाद, पंजाब या कश्मीर, लाहौर से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। आप पर्सनल अपीयरेंस पर आके अपॉइंटमेंट लेने थे, लेकिन 15 जुलाई के बाद आप ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जहां तक बात है अगर आप कराची से अपॉइंटमेंट बुक करना चाह रहे हैं कराची कॉन्सुलेट के लिए, कराची कॉन्सुलेट के लिए आप कॉल करके कराची कॉन्सुलेट में वहां से अपनी अपॉइंटमेंट इजीली बुक करवा सकते हैं। कॉल पर ही आपको एक डेट और एक टाइम दे दिया जाता है और आपकी वहां पर नाम नोट कर लिया जाता है कि आपकी इस डेट की अपॉइंटमेंट है और इस टाइम अपॉइंटमेंट है आपकी, तो आप आकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। तो इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप जापान की अपॉइंटमेंट इजीली हासिल कर सकते हैं। जापान की जहां तक बात रही वीजा फी कितनी है और इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, जापान की जो विजिट वीजा फी है जापान का वीजा फ्री ऑफ कॉस्ट है, जापान की विजिट वीजा फी नहीं है। और अगर बात की जाए प्रोसेसिंग टाइम के बारे में, जापान का जो विजिट वीजा प्रोसेसिंग टाइम है 5 to 7 वर्किंग डेज के अंदर आपके वीजा का डिसीजन होके आपको पासपोर्ट वापस मिल जाता है। और अब हम बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट का स्केड्यूल शुरू होने के बाद जापान की वीजा रेशियो में कोई इफेक्ट पड़ेंगे, वीजा रेशियो बेहतर होगी या नहीं। अपॉइंटमेंट का स्केड्यूल स्टार्ट होने के बाद जापान की विजिट वीजा रेशियो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद प्रोसीजर ये है कि जिन लोग पहले सबमिट करवाते थे और उसके बाद बहुत से लोग वहां पर बाय स्टे करते थे, तो इस वजह से वीजा रेशियो कम हो चुकी थी।
आप जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी आप पर्सनल अपीयरेंस पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे। वहां पर समटाइम शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है, आप वहां पर इंटरव्यू क्लियर करके पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आसानी से वीजा हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पासपोर्ट पर जापान का ऑफिसर वीजा हो और आप जापान ट्रेवल करके हैं तो नेक्स्ट टाइम पर आप किसी भी बड़े कंट्रीज शेंगेन कंट्रीज का वीजा इजीली पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट का स्केड्यूल स्टार्ट होने के बाद वीजा रेशियो में बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी। इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप जापान के अपॉइंटमेंट इजीली बुक कर सकते हैं। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर बता दीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम किस कंट्री के विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें, या तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड इस्लामाबाद टीचा का हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रेवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।